अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन करनी है द गुलिस्तान अफसादी, जिसका हम इंट्रोडक्शन और अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर चुके थे। आज हमने अपनी ट्रांसलेशन का पार्ट टू करना है, यानी कि ट्रांसलेशन में हमें क्या बताया गया। तो ट्रांसलेशन पार्ट टू की हम स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा ट्रांसलेशन का सेकेंड पार्ट जो है, जहाँ पे हमने छोड़ा था, जो हमने डिस्कस किया था कि दरोगा जो है वो ग़ुलाम को पकड़ के कश्ती में बैठाता है तो बादशाह उसकी हिकमत को समझ नहीं सकता। बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट। डूबने के खतरे का तजर्बा होने से पहले वो कश्ती की हिफाजत नहीं जानता था। अ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्राम द मिसफॉर्चून अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट। एक इंसान तब तक मुसीबत का मज़ा नहीं चख लेता तब तक मुसीबत से हिफाजत की अहमियत को महसूस नहीं कर सकता। तो इस जो हमारा फ़र्स्ट वाला, ये जो हमारी हिकायत है शेख सादी की, इसमें फ़र्स्ट जो हमें लेसन मिलता है वो ये है कि एक इंसान के पास जो चीज़ होता है वो उसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक वो किसी मुसीबत का मज़ा नहीं चख लेता। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं हमारे जो इसी लेसन का पार्ट टू है। It is related that while a deer was being roasted for Nushirwan, a king of Persian famous for his justice, क्या हो बयान किया जाता है कि एक दफ़ा ईरान के बादशाह नुशेरवां, जिसका नाम था नुशेरवां, के लिए जो अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था, हिरन बुना जा रहा था। बट नो साल्ट कुड बी फाउंड, मगर नमक नहीं मिल सका। अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम साल्ट, एक लड़के को गाँव भेजा गया कि वह नमक लाए। द बॉय बॉट इट एंड प्रेजेंटेड टू द किंग हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट। लड़का ये ले आया और बादशाह को पेश किया, जब पूछा गया कि इसने इसकी कीमत अदा की कर दी थी। नो नहीं, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। पे फॉर द साल्ट, बादशाह ने कहा नमक की कीमत अदा करो। लेस इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रुइंड, नमक की कीमत अदा करो कहीं ऐसा ना हो कि रिवाज पड़ जाए और गांव तबाह हो जाए। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, छोटी सी ट्रिफलिंग कहते हैं मामूली सी, जब पूछा गया कि इतनी मामूली चीज़ मांगने से क्या नुकसान हो सकता है। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड सेट द किंग, जब पूछा गया कि इतनी मामूली चीज़ मांगने से क्या नुकसान हो सकता है, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी, बादशाह ने कहा। हूएवर एनलार्ज इट सो दैट इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट मैग्नीट्यूड इज़ एट फॉल्ट, जिसने इसे बढ़ाया कि वो मौजूदा जिसामत तक पहुंच गया, ने बहुत बड़ी गलती की। इफ़ द किंग ईट वन एप्पल फ्राम द गार्डन ऑफ सब्जेक्ट्स हिज स्लेव विल पुल डाउन द होल ट्रीज़, अगर बादशाह राया के बाग से एक सेब खा ले तो इसके गुलाम इसके लिए पूरे दरख्त जड़ों को जड़ों से उखाड़ लाएंगे। इसी तरह फॉर फाइव एग्स विच द किंग अलो टू बी टेकन बाय फोर्स द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी विल पुट द थाउजेंड फॉल्स ऑन द स्पिट, क्या होगा इसी तरह अगर बादशाह पाँच अंडे ज़बरदस्ती लेने की इजाज़त देगा तो इसके फौजी हज़ारों परिंदे सीखों पर चढ़ा डालेंगे। अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड फॉर एवर, एक जालम दुनिया में नहीं रहता लेकिन इस पर पड़ी लानत हमेशा रहती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड जो हमारे पैराबल है शेख सादी का, उससे हमें लेसन जो मिलता है वो ये है कि एक जालम दुनिया से चला जाता है लेकिन उस पर पड़ी लानत हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का पार्ट टू में ट्रांसलेशन थी। आपने इस ट्रांसलेशन को याद करना है, होप्स वो आप इसको समझ गए होंगे। आपने इस ट्रांसलेशन को अगेन एंड अगेन सुनना है ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पर आज हमारा पार्ट टू ट्रांसलेशन का कवर होता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।